नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से, हर शहर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गाड़ी बिक्री कर पैसे ना देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की लगाई गुहार। जनपद कन्नौज के थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी रिंकी देवी पत्नी संजय कुमार निवासी जयसिंहपुरवा थाना गुरसहायगंज कन्नौज मुख्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। उन्होंने बताया, हमारे गांव के वर्तमान प्रधान चंद्रभान द्वारा घर से गाड़ी ले गए थे, जिन्होंने उसकी बिक्री भी कर ली। जब हमने उनसे गाड़ी की बात रखी तो उन्होंने अनसुना कर दिया। हमें पता चला और हमारी गाड़ी की बिक्री कर दी गई है, तो हमने उनसे रुपये की बात की तो उन्होंने धमकी देते हुए रुपया न देने की बात कही। पीड़िता कई बार इसकी शिकायत कर चुकी है, उस समय पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सूरज सिंह की खास रिपोर्ट। कहां से आए हैं आप? हम जयसिंहपुरा पोस्ट थाना गुरसहायगंज। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, हमारी गाड़ी को हमने कंप्लेन की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। थाने जाओ, थाने वाले कहते चौकी जाओ, चौकी वाले कहते थाने जाओ। सर, हम हर जगह अप्लीकेशन दे देकर थक गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं। जबकि मेरे साथ सब सबूत हैं, फिर भी मैं प्रधान कहता कि हम फ्रॉड हैं और हम हर जगह प्रूफ दे दे के थक चुके हैं सर, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम यहाँ पर आए, हम चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। जी सर, जब आप थाने में गए तो क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? थाने वाले इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप देखो, हमें प्रूफ ला के दो। हमने सारे सब प्रूफ दिया और फिर भी आप थाने वाले कहते हैं कि चौकी जाओ, चौकी वाले हम प्रूफ दें। हम कहाँ तक सर प्रूफ दें? हम प्रूफ दे देकर थक चुके हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरे पास हम सब सबूत हैं सर। इस समय आप कहाँ आए हैं? हम इस समय आए कन्नौज पुलिस अधीक्षक कार्यालय। ठीक,